बसमिल मैं हूँ फैसल अली इस वक्त की सबसे सैड न्यूज़ जो मंजरेम पर आ रही है पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी ए आर वाई न्यूज़ से एक बड़े अरसे तक मुंसलिक रहने वाले सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ जो एक बड़े अरसे से मुल्क से बाहर थे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह के मुकदमात का उन्होंने सामना किया और उसके बाद शायद उनको ये लगा था कि पाकिस्तान के अंदर उन्हें मज़दीद मुकदमा का सामना करना पड़ सकता है इसी वजह से वो कुछ माह पहले पाकिस्तान से बाहर चले गए थे बाहर जाने के बाद उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल उसका आगाज़ किया था और वहाँ वो कुछ ऐसी ख़बरें दे रहे थे जो ख़बरें काफ़ी ज़्यादा गैरमूली नोत की थीं इन ख़बरों में बहुत बड़े पैमाने पर इनकशाफात थे और ऐसे इंकशाफ थे जो हिला देने वाले थे इस वक्त जो उनकी मौत के हवाले से ख़बरें सामने आ रही हैं उनकी तस्दीक हो चुकी है ख़ुद वो जिस टी वी चैनल से मुंसलिक रहे हैं ए आर वाई न्यूज़ उसने भी इस ख़बर की तस्दीक कर दी है और ख़ानदानी जरा से की है अब सबसे अहम ख़बर जो इस वक्त आपके साथ शेयर करनी है वो उनके कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं वो उनके कुछ ऐसे यूट्यूब शोज़ हैं वो उनके कुछ ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि उनके मुबैना कत्ल की वजह हो सकते हैं सबसे अहम बात तो ये है कि अभी तक इस वाक़ को ए आर वाई एक हादसा करार दे रहा है लेकिन क्या ये सिर्फ़ एक हादसा है ये तहक़ीक होना बाकी है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत तमाम तो था लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाली अपडेट से आगा रह सकें बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर मंजराम पर आ रही है कि अरशद शरीफ सीनियर जर्नलिस्ट एक बहुत ही काबिल सहाफ़ी वो मारे गए हैं उनका मारा जाना या हादसे की सूरत में मारा जाना या कत्ल होना या जो भी उनके साथ हुआ ये तमाम तर सिलसिला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त की अपोजिशन की बड़ी जमात यानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उसके कायद इमरान खान वो जो नरेटिव रख रहे हैं उस नरेटिव को सपोर्ट करने वाले टाप के सहाफियों में अरशद शरीफ का जिक्र होता है अब अगर सिर्फ पंद्रह घंटे पहले के ट्वीट की बात की जाए अरशद शरीफ ने वो ट्वीट क्या किया वो आप सुन लें ट्वीट एक ट्विटर ट्रेंड को लेकर किया गया था जिसमें डिगी वाला हैशटैग इस्तेमाल किया गया है और उसके आगे लिखा गया है कि डिगी वाला किस तरह चुप कर जाता था ये जनवरी में बताया था अब एजाज़ हक को दबाव डालकर बयान वापस लेने का कहा गया खुफ़ क्या मुलाकातों के बाद ये ख़ुद बताते थे कि मुलाकात में क्या तप आया एन आर इन्हीं वजह से हुआ अब एजाजा हक ने आपको मालूम है कि एक रोज क्या स्टेटमेंट दी और उन्होंने ये कहा कि देखिए इस वक्त शहबाज शरीफ जो हैं वो हुकूमत में हैं लेकिन जब ये हुकूमत में नहीं थे तो ये डिगी में बैठ कर जी एच यू में जाते थे और आर्मी चीफ से मुलाकातें करते थे फिर अरशद शरीफ ने एक और ट्वीट जो है वो अपना बाईस अक्टूबर के रोज़ जो है वो इन्होंने ट्वीट किया था डिगी वाला डिग्गी वाली कहानी तो जनवरी में ही बता दी थी तो इन अपने एक टी शो का क्लिप यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है अब उसके साथ पंद्रह घंटे पहले इन्होंने फिर एफ आई ए के हवाले से मुतद अफसरान उनके खिला अफसाना सेक्रेटेट इस्लामाद का जो उसमें एफ़ आई आर के हवाले से एक ट्वीट किया हुआ है फिर इनके ट्वीट को अगर आप देखेंगे तो उसमें तोशाखाना के हवाले से सवाल उठाए गए हैं कि क्या जनरल बाजवा ने तो शाहाना में कितने पैसे जमा करवाए इमरान खान का बैंक रिकॉर्ड वीलाग में देखें क्या इमरान खान मोहतरमा बहन भुटो और नवाज शरीफ की तरह साथियों के नाम आवाम को बताएंगे ये बड़ी अहम तरीन चीज़ और फिर एक ट्वीट उन्होंने बाईस अक्टूबर के रोज़ किया कि कप्टन सफदर की गिरफ्तारी पर जनरल बाजवा का बिलाउल जरदारी को फोन सेंडर आजम स्वती डॉक्टर शहबाज गल और जमील फारूकी का नवाज शरीफ नहीं ये आम पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं इसलिए इन्हें नंगा करके तशाद करो ताकि कोई सवाल ना करे ये वो इंतहाई ख़तरनाक ट्वीट इन्होंने किया और फिर बाकी भी इनकी बहुत ज़्यादा ट्वीट्स हैं अभी ये वाज़े नहीं है कि क्या ये टारगेट किलिंग का निशाना बने क्या इन्हें चेज़ करके मार दिया गया आखिर इनके साथ क्या हुआ ऐसा लेकिन ये जितने भी ट्वीट्स इन्होंने किए फिर आपको मालूम है कि बाईस अक्टूबर के रोज़ लाहौर में आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी और वहाँ पर जो गुफ्तु की जस्टिस का फायज़ ई ईसान वो इन्होंने उसका क्लिप भी इन्होंने अपलोड किया और अदालतों के रोल पर और अदालतों के रोल में दीगरों इदारों की जो मुदाखलत है या एक रोल है उसके हाल से इन्होंने बात की तो आ, ये वो सूरत हाल है जो गुज्तर काफ़ी वक्त से इनके ट्विटर पर चल रही थी लेकिन इनकी अगर आप यूट्यूब को उठाकर देखें तो इनकी आखिरी वीडियोस आप सुनकर बहूबी अंदाज़ा होगा कि ये कैसे ऐसी ख़बरें दे रहे थे जो ख़बरें काफ़ी ज़्यादा हसास नोयत की थी या कम अज़ कम वो ख़बरें ये पाकिस्तान के अंदर रह कर नहीं दे पा रहे थे बड़ी ही अफसोसनाक ये ख़बर है इस खबर का रिएक्शन क्या होगा ठीक उस वक्त जब इमरान ख़ान जो हैं वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं जुमे के रोज़ उससे पहले उनके नैरेटिव को सपोर्ट करने वाला एक बड़ा एंकर एक बड़ी मज़बूत आवाज़ जो है वो ख़ामोश हो गई है इस हवाले से इस वक्त ट्विटर पर क्या चल रहा है वो भी आपके सामने ज़रूर शेयर करता हूँ सबसे अहम बात कि अरशद शरीफ जो हैं उनके के हवाले से सीनियर जर्नलिस्ट इमरान राज ने उनकी वीडियो भी सामने आ चुकी है अरशद भाई के घर भी बात हुई है फैमिली से भाभी से भी बात हुई है और जो बाकी सोर्सेज हैं उनसे भी बात हुई है तो मैं कंफर्म कर देता हूं कि वो यहाँ नहीं थे लंदन में भी नहीं थे वो अफ्रीका में थे और वो शहीद हो गए हैं ये बिल्कुल अब कंफर्म है खबर अभी हमारा सिर्फ एक मुतालबा है पहला और एक ही बात हम कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द अरशद भाई को वापस हमारे पास पहुंचाए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पूरी इज्जत और एहतराम के साथ बाकी बात बाद में करेंगे बिसमी मेरी अभी अरशद भाई के घर भी बात हुई है फैमिली से भाभी से भी बात हुई है और जो बाकी सोर्सेज हैं उनसे भी बात हुई है तो मैं कंफर्म कर देता हूं कि वो यहाँ नहीं थे लंदन में भी नहीं थे वो अफ्रीका में थे और वो शहीद हो गए हैं ये बिल्कुल अब कन्फर्म है खबर अभी हमारा सिर्फ एक मुतालबा है पहला तो ये पाकिस्तान तो की सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियास उन्होंने भी बाकायदा इस चीज़ की तस्दीक कर दी है फिर दूसरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल जियो जो है उसने भी सारे से तस्दीक कर दी है कि सीनियर सहाफी और एंकर अर्शद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया है इसका रिएक्शन नहीं मालूम कैसा होगा लेकिन ये एक दिल दला देने वाली खबर है अफसोसनाक ख़बर है, अफसोस ना ख़बर है। नहीं, कि की नहीं हो सकी मौत कैसे हुई फौरी तौर पर वाक्य की मजीद तफसी मालूम नहीं हो सकती है कुछ रोज पहले दुबई से लंदन भी आए आप थे आपको बताते चले सीनियर साहबी और एडिटर अर्षद